हमें काफ़ी दिनों से यहाँ पे इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग जो है बांडीपुरा में यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको पार के इशारे से यहाँ पे एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करके उनको किसी न किसी तरीके से एक्शन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो जब हमने इस लीड को फॉलो किया तो हमने जो है एक अब्दुल मजीद खान जो करालपुरा का रहने वाला है, जो पहले भी एक्स मिलिटेंट रह चुका है और HCC में कॉन्ट्रैक्टर भी था, उसको हमने ज़ीरो इन किया और जब हमें उसके बारे में पता चला तो उसको ट्रैप किया गया। और जैसे ही उसको ट्रैप किया उससे हमें 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल जो है रिकवर हुआ और उसके साथ उसका एम्युनिशन भी रिकवर हुआ। और जब उससे फर्दर हमने पूछताछ की, उस पूछताछ के दौरान पता चला कि ये जैश ए मोहम्मद का OGW है और काफ़ी दिनों से इस टाइप के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इसका काम था यूथ को, जो गलीबल यूथ है हमारा, जो उसको आइडेंटिफाई करना, टारगेट आइडेंटिफाई करना, उनको हथियार देना और फिर उनको इस तरीके से काम करवाना जिस तरीके से कि उनके लिए वापसी का रास्ता ना रहे। और इसके लिए इसका जो एक सहयोगी है, इसने आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो हमने फिर बाद में अरेस्ट किया, वो शौकत मलिक संग्रामा का, उसकी वहाँ पे फ्रूट्स की दुकान है और उसी फ्रूट्स की दुकान के अंदर से हमने फिर और फर्दर रिकवरी की, जिसमें 5 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ राउंड्स थे। तो उससे भी जब हमने पूछताछ की और जिस तरीके की उसकी लोकेशन, उसी फ्रूट्स की दुकान के अंदर से हमने फिर और फर्दर रिकवरी की, जिसमें 5 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ राउंड्स थे। तो उससे भी जब हमने पूछताछ की और जिस तरीके की उसकी लोकेशन है, उससे पता चला कि वो भी जैश ए मोहम्मद का OGW है और काफ़ी दिनों से जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व था। उसने पहले भी जो है सोपोर पुलिस के पास भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मिला है, पहले भी इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो अभी आगे हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। शौकत मलिक जो है बहुत पुराना OGW है, बहुत ही हार्डकोर OGW है और जिस तरीके से ये इसकी दुकान जो मेन रोड पे थी और वहाँ से जिस तरीके से हमने रिकवरी की है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो है नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी, इसके अलावा भी इसने जो है काफ़ी जगहों पे इस तरीके का पहले भी इसने आर्म्स एम्युनिशन जो है सप्लाई किया होगा। तो उसके बारे में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ जा रही है। Sir, are these arrests linked to the arrest of that militant who was recently arrested? No, this is totally different group. Mm-hmm. But yes, I cannot completely rule it out because he was also the militant who was recently recruited. Mm-hmm. And we are further verifying that whether this group has something to do with the militant arrested or not. Both are from Jaish-e-Mohammed. Yeah, these both Shaukat as well as this Majid Khan are linked to Jaish-e-Mohammed. Ensure urban farming's presence first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।